गृह मंत्री अमित शाह का नालागढ़ दौरा। गृह मंत्री अमित शाह ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को किया संबोधित। नालागढ़ से विधायक लखविंदर सिंह राणा व भाजपा राशि के लिए लोगों से की वोट की अपील। अमित शाह ने जनता से कहा कि लखविंदर सिंह राणा को एक बार विधायक बनाओ, उनको बड़ा बनने का मैं करता हूँ वादा। नालागढ़ प्रदेश का प्रवेश द्वार की सीट भाजपा की झोली में डालो। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि केंद्र और प्रदेश में माँ बेटे के हाथ कांग्रेस भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने अनेकों विकास करवाए। कश्मीर से धारा 370 हटवाई, कांग्रेस के जमाने में ढेर सारी महामारी आई। राहुल बाबा को इतिहास नहीं मालूम, 1.5 साल के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई गई। राहुल बाबा तो यहां नहीं आएंगे क्योंकि पदयात्रा में है व्यस्त। 60 साल तक रहा कांग्रेस का राज। हिमाचल में जयराम ने हिम केयर के तहत 6 लाख परिवारों को दिया फायदा, 8,76,000 हर घर नल पहुंचाने का किया काम। तो अभी कुछ ही समय में अमित शाह जी भी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। बात मानते हैं, एक बार हाथ खड़ा करें जो कहते हैं जिनमें काबिलियत है, जो युवा है वो आगे आए। ऐसे ही हमारे बीच हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष छोटे भाई तरुजीत जी हैं। मैं चाहूंगा आप सभी का प्यार उसे भी मिले। भारत माता की युवा मोर्चा सम्मानित मंच, जिनके साथ मैं शायद पहली बार मंच साझा करने जा रहा हूँ। रैणी जी, जी की धर्म पत्नी माता गुरनाम कौर जी, सभी युवा वरिष्ठ, सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुँचने पर मैं युवा मोर्चा नालागढ़ की ओर से और विशेष रूप से आज हमारे बीच सर बड़े भाई जनता का, जिन्होंने मेरे ऊपर जो है बहुत प्रगाढ़ विश्वास किया है, इसलिए आप सभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी जो है उनका सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ट्रांस पार्टी के जो उम्मीदवार, ट्रांस पार्टी यहाँ पर जो बनाए, वो हरियाणा से जो है पंजोर से है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो कांग्रेस पार्टी है आज नेतृत्व विहीन है, दिशाहीन है। उनके पास नालागढ़ हल्के के लिए कोई लोकल, कोई यहाँ का धरती पुत्र, कोई कैंडिडेट नहीं मिला। आज उनको बाहर से कैंडिडेट लाकर जो है नालागढ़ विधानसभा में खड़ा करना पड़ा है। ये हमारे लिए, हमारी जनता के लिए, स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, जो मैं कह सकता हूँ हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसे हम कह सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी है ये डूबता हुआ जहाज है। आज देख रहे कांग्रेस पार्टी के केंद्र में जो नेता है लगातार जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़े। इसी तरह हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं। इससे लगता है जो कांग्रेस पार्टी का जो ये जहाज टूटता हुआ नजर आ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ जो यहाँ से कैंडिडेट दिया है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत खतरनाक है, आपराधिक छवि है। 370 के मुकदमे उनके खिलाफ, 307 के मुकदमे उनके खिलाफ, 302 के मुकदमे उनके खिलाफ, वो लोग पार्षद जो है दर्शन जनता के बीच में उन्होंने दर्शन नहीं दिए। आज वो जब टिकट लेना था तब पता लगा कि दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, टिकट के लिए यहाँ से आवेदन कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ जब 5 साल यहाँ पर कोरोना कार्य कर रहा,
लेकिन उस व्यक्ति का कभी दर्शन ही दिए। बहुत लोग यहाँ हताहत हुए कोरोना में, बहुत लोगों को जरूरत पड़ी, लेकिन वो लोग यहाँ पर हाजिर नहीं थे, अपने ऐशो आराम करते रहे, एसी में बैठे रहे, लेकिन आज लोगों के बीच में जाकर वोट मांगे। ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वो आदमी हमारी सेवा नहीं कर सकते, वो बाहर के लोग हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, तरह तरह की बातें आपके बीच में आकर वो कहेंगे, लेकिन आप लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं करना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो दूसरे हमारे यहाँ से आजाद उम्मीदवार के रूम में यहाँ से जो चुनाव लड़े हैं, उनका भी हाल खराब है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ा मान सम्मान दिया, दो बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दिया, एक बार विधायक रहे, लेकिन भाजपा के अध्यक्ष आशुतोष नड्डा जी और हमारी श्रीमती गुरनाम कौर जी, जो कि पूर्व मंत्री सरदार हरिंदर सिंह जी की धर्मपत्नी है, हरप्रीत सैनी जी, चरण चंदेल जी, रूप नारायण जी, 7 लाख परिवारों को, 7 लाख गरीब परिवारों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने का काम किया, 9,37,000 स्वास्थ्य का खर्चा ऑपरेशन से लेकर ड्रेसिंग तक सब मुफ्त में करने का काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी। हिम केयर के तहत तो अभी भी आपका दावा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 60 साल में देश की गरीब महिला को शौचालय दे पाए क्या? नहीं दे पाएगी। मोदी जी ने 8 साल में हिमाचल की हर गरीब महिला के घर में शौचालय बनाकर उसकी सम्मान की रालिक होती है। और मोदी जी कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। तो मालिक के पास जब कोई आए तो हिसाब किताब लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, भाई बताओ जरा, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जोर से बोलो, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कांग्रेसियों से हिसाब मांगना। 60 साल तक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अभी राहुल बाबा, 5 पीढ़ी तक एक ही परिवार चल रहा है। उनसे हिसाब मांगो कि भाई क्या किया। मैं हिसाब देने आया हूं। एंस्टा न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट में हमारी सरकार चल रही है।